केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। ग्राम पंचायत को कुछ अधिकार मिले हैं जिससे गांव का विकास हो सकता है और ग्राम पंचायत का चुनाव होने वाला है। कहा जाता है कि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा मुश्किल ग्राम पंचायत चुनाव ही है, क्योंकि क्षेत्रफल होते हैं कम और विरोधी होते हैं अपने ही। तो आइए देखते हैं खास पेशकश गांव की सरकार का। 5 साल बीत गया, क्या क्या काम हुआ आपके क्षेत्र में? देखिए, 5 साल तो जरूर बीत गया, इसमें कोई शक नहीं है। 2016 में 21 जून को हम शपथ लिए जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में, और हम जिला परिषद यहाँ से जीत के गए। लोगों ने विश्वास जताया, लेकिन क्या हुआ, 2 साल तक हम लोग कुछ नहीं कर सके। 2016-17 और 17-18, चूँकि सृजन का 17 में उजागर हो गया, और वो सृजन के उजागर होने के बाद कुछ काम नहीं हुआ। 17-18 कुछ नहीं हुआ, सारा फंड सीज हो गया, सारे रुपया खत्म हो गई। उसके बाद DDCB भी लोग, विकास आयुक्त थे अमित कुमार जी, उनका ट्रांसफर हो गया। फिर उसके बाद एक आए, उनका भी ट्रांसफर हो गया। फिर तीसरा ही 3 साल से सुनील कुमार जी भी हमारे यहाँ विकास आयुक्त जिला परिषद के हैं। हमारा कहने का मतलब है क्या है, क्योंकि सरकार ने जो सुविधा दी है, करोड़ों रुपया का फंड दिया, और पंचम वित्त राज्य आयोग की राशि से 30 करोड़ से ऊपर का पूरे भागलपुर जिला में 16 प्रखंड है और 31 जिला परिषद सदस्य हैं, जो उन्होंने अनुशंसा किया, रोड गली नली उसका क्रियान्वयन हुआ। लेकिन जो सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं कि मनरेगा एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड को जोड़ने वाली, लेकिन आप जानते हैं कि बिहार में अफसरशाही हॉबी है, और अफसर ने इस कदर का लूट पंचायत में मचा रखा है मनरेगा में, और जिला परिषद में तो डायरेक्ट फिर हो जाएगा, तो वहाँ कमीशन उतना मिलेगा नहीं। और हम मैं बता दूँ कि आज एक मनरेगा की आप कार्य योजना की जांच करा लें तो पता चल जाएगा क्या होता है, और उसी से हम लोग को जो मनरेगा से वंचित रखा। आज तक सभी जिला परिषद, सम्मानित जिला परिषद सदस्यों ने अपनी अपनी योजनाएं अपने अपने क्षेत्र के लिए दिया, लेकिन हमको लगता है कि अभी तक जो है 31 जिला परिषद सदस्य है, 16 प्रखंड है, हमको लगता है एकाध दो प्रखंड छोड़ के कहीं योजना जिला परिषद नहीं चल रही होगा, एकाध योजना चल रही है। तो आप अपने क्षेत्र में कौन कौन सी योजनाएं लेते हैं? हम अपने क्षेत्र में जैसे कि पंचम वित्त राज्य आयोग की राशि से समूचे हमारा 9 पंचायत हमारा पड़ता है, 9 पंचायत में मैंने सड़क बनाया, राशि कम है, पंचायत जाते हैं, 9 पंचायत है, तो मैंने उस क्षेत्र का विकास किया। फिर अनुदान मद की राशि से जो आपके जिला परिषद का यहाँ डाक बंगला था, जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में गिरा पड़ा था, उसको भी सुदृढ़ करवाया। सड़क की बात करने लगा, कितना सड़क होगा जो 9 प्रखंड में दिए होंगे? 9 प्रखंड में मोटा मोटी जो है हमारा 30 योजना हो। इसके बाद एक सेट बनवाया गया, नहीं सेट नहीं, जिला परिषद का डाक बंगला, डाक बंगला जीर्णोद्धार किया गया, और उसके बाद यहाँ मोटा मोटी 30 से 35 दुकानें बनी शाहपुर में, जो दुकान जो है जो शिक्षित बेरोजगार लोग हैं उनको मिला। ये 3 काम महत्वपूर्ण आपके यहाँ पे किए गए। कोई ऐसा काम जो नहीं कर पाए जिसका मलाल है पूरे जिला में? देखिए, बहुत सारी योजनाएं हैं जो हम लोग सीमित है ना, पैसा भी सीमित है, संसाधन भी सीमित है, और क्या, जो काम मुखिया करता है, जो काम वार्ड मेंबर करता है, वही काम जिला परिषद को करना है। इनका कार्य जो है अलग होना चाहिए। और देखिए, मैं बता दूं कि अभी भी पैसा हमारे 10 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है अनुदान की राशि से, पदाधिकारी काम ही नहीं करते। अभी 15 करोड़ रुपया 15वीं का पैसा पड़ा हुआ है, पदाधिकारी काम ही नहीं करते। 5-5 जिला अभियंता बदली हुआ, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार पदाधिकारी है। हमारा काम है कार्य योजना बनाना, मैं कार्य योजना बनाता हूँ, सभी सम्मानित सदस्य आते हैं, लेकिन कोई कार्य पदाधिकारी के द्वारा नहीं कराया। बिहार में कहते हैं सुशासन की सरकार है, आप उनके समर्थक हैं, उप मुख्यमंत्री से मिलने जाते हैं, अच्छे संबंध हैं अगल बगल के सांसद से भी, बड़े नेताओं से, फिर भी अफसरशाही आप पर चरम है। मैं आपको बता दूं, हमारे अच्छे संबंध सभी सम्मानित सांसद, सम्मानित विधायक, सम्मानित विधान पार्षद, सम्मानित राज्यसभा सांसद,
मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री सारे से है। पीछे भी जो मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी थे, हमारे अभिभावक थे, मैं उनको मानता था और उनसे भी अच्छा हमारा संपर्क था, जिसके कारण समझ लिए कि आप जो है डीटीसी का, जैसे कि आप जिला योजना, जैसे कि जिला अभियंता हमारे यहाँ नहीं है, उनसे क्या करके, उनसे बात क्या करके, उनसे जो है उनकी एजुकेशन करवाते थे, काम होता था, लेकिन काम ये पदाधिकारी करते नहीं थे, फिर ये लोग क्या करें। क्या इस पदाधिकारी को हटाने की मांग आपने कई बार, दर्जनों बार मैंने लिख के दिया, आप मैं बता दूं आपको आश्चर्य होगा, ठीक है, हमको 100 रख के 400 रुपये दे दूंगी, अब सर भी मस्त भी मस्त बेचारा बन गया, सुन लिया, तो बेरोजगारी दूर कैसे करें, उद्योग की बात को अगर साकुंड में लगाने की। देखिए उद्योग तो यहाँ पिछले साल यहाँ हमारे यहाँ भेड़ बहुत है, लेकिन आज तक जो होता है उद्योग, लेकिन माननीय उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन जी बने हैं, पूर्व सांसद थे, लोकप्रिय नेता हैं, और उन्होंने जो अभी छोटे से अल्प अवधि में जितना इन्होंने विस्तार कर रखा है, इसकी बातों को भी उनके तक मैं पहुंचाऊंगा, और जितना होगा जन समस्याओं को लेकर के मुद्दे, जैसे छोटे छोटे मुद्दे हैं, यहाँ खेल के मैदान नहीं है, यहाँ गिरवरनाथ ऊपर पहाड़ है, आप सोच लीजिए ये ऐतिहासिक स्थल है और वहाँ पर जाने का रोड नहीं है, उस रोड को मैं बनवाने का प्रयास करूँ। आपके क्षेत्र में आपके जो प्रतिद्वंदी रहते हैं कोई भी काम नहीं लेंगे, उन लोगों का आरोप है कि विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए क्षेत्र में आया है, घर तो उनका पैतृक यहाँ है, लेकिन विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिल पाए, इस वजह से यहाँ आओ, मैं तो उनसे उनका दर्शन भी क्षेत्र के लिए हमारे लिए, हाँ ये समझे, मतलब विधानसभा चुनाव के आसपास आप यहाँ रहना प्रारंभ किए भागलपुर, और टिकट नाम नहीं मिल पाया किसी कारण से, उसके बाद से फिर जिला परिषद की तैयारी शुरू कर दी है, उससे पहले चुनाव से पहले उनसे मिलना और संभव जनता क्या कहा जनता नहीं आपके कोई भी प्रतिद्वंदी, अब प्रतिद्वंदी तो कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा जनता के बीच में रहता हूँ, डेली मैं रात को, चूंकि मेरा घर यहाँ है, मेरा धंधा यहाँ है, मेरे पेट्रोल पंप है, मेरे मोटरसाइकिल के शोरूम है, मेरी गाड़ियाँ चलती है, नहीं समझे, क्योंकि मेरा धंधा है, क्योंकि धंधा नहीं करेंगे तो भाई आप जान सकते हैं क्या हो सकता है भाई, और मैं लगातार जनता के बीच में रहता हूँ, अगर कोई जनता ही अगर सवाल करे तो मैं जरूर चाहूँगा, लेकिन वो प्रतिद्वंदी का क्रम है आरोप लगाना, लेकिन आरोप हम तो दिन भर यहाँ सोचे कहाँ मिले आपको। एक और सवाल, अब लोगों का कहना अब किस पार्टी की, चुनाव के टाइम में आरजेडी की तरफ जाने के लिए पूरा जोर लगा दिए भाजपा से, आरजेडी की तरफ वहां भी जगह नहीं मिली, फिर से भाजपा की तरफ दौड़ लगा। ना देखिए मैं बाल काल से स्वयंसेवक हूँ, मेरा पूरा परिवार स्वयंसेवक है, और मैं बता दूं अभी मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ, ठीक है, मैं बता दूं कि माने ठीक है चुनाव में टिकट मिलना नहीं मिलना, मैं जनता दल का सदस्य हूँ क्या, राष्ट्रीय जनता दल का सदस्य हूँ क्या, भाजपा में ही रहेंगे, एकदम भाजपा में रहेंगे, भाजपा में है, भाजपा थे, भाजपा में रहेंगे, भाजपा में है रहेंगे, प्रतिद्वंदी आरोप लगाएंगे, उनका काम आरोप लगाना, लेकिन क्षेत्र की जनता के लिए समर्पित हूँ और यहीं पर अपने आवास पर रहकर उनकी सेवा करता हूँ, करता रहूंगा और भाजपा में ही रहूंगा, ये कहना है वर्तमान में जो जिला परिषद अध्यक्ष उन कुन साजी। डीडीसी होते हैं, लेकिन मैं बता दूं आपके निजी टीवी माध्यम से और पत्रकारों के माध्यम से, आज तक 3 साल इनको हो गया, 3 साल में 36 महीना, 36 महीना में 36 दिन भी अगर वो जो है अपने ऑफिस में बैठे हुए, तो मैं जो कहूँगा सुनूंगा, 36 दिन भी ऑफिस में नहीं बैठे। इसके अलावा पुनः इस बार फिर से चुनावी मैदान में आप रहेंगे, वो तो समय बताएगा, वो अभी हम क्या कह सकते, क्षेत्र के लोग तो कह रहे चुनावी मैदान में रहेंगे, क्षेत्र के लोग, क्षेत्र की जनता जो है सर्वोपरि है, जनता जिताती है, जनता हराती है, जनता के लिए मैं समर्पित हूँ, डेली सुबह 5 बजे से लेकर रात 12 बजे रात तक उपलब्ध रहता हूँ, जो जन समस्याओं से मुद्दा होता है हमको कहते हैं, हम पदाधिकारियों को कहते हैं, लेकिन पदाधिकारी तो सुनते ही नहीं, क्या कहते हैं। चलिए पदाधिकारी अफसर शाही बिहार में हावी है, इस बात को आप भी मानते हैं और हम लोग भी मानते हैं हावी है, लेकिन इस बार अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो क्या 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 सोचें, इस बार जो नहीं कर पाए उसको करें, कहाँ से सरकार जनता जानना चाहती है आपके 9 पंचायत। जनता देखिए यहाँ तो अब क्या देखिए, खैर हमारा कार्य क्षेत्र बहुत कम है, जिला परिषद की कार्य क्षेत्र बहुत कम है, लेकिन उस कम क्षेत्र में भी जितना पैसे हैं, जितने एसेट हैं, हम तो कहा कि अभी पूरे जिला में मैंने 200 दुकान की निकलवाई समूचे पूरे जिला में,
200 दुकानें बनवाई, 200 बेरोजगार को मिला। भागलपुर में बताइए कि दुकान जिला परिषद की करोड़ों की संपत्ति खाली है, लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, लेकिन सीओ रिपोर्ट नहीं दे रहा, डीडीसी कुछ नहीं कर रहा। अभी जिला अभी दिशा की बैठक थी जिसमें माननीय सांसद अध्यक्ष होते हैं, माननीय अजय मंडल जी, अभी 12 तारीख को बैठक, उस बैठक में उठाया कि भाई जिला परिषद की काफी मतलब अरबों की जमीन है और उसको लोग दखल कर रहा है, लेकिन उसमें कोई जो है अजय मंडल जी तो कहते हैं बैठक में जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे। नहीं नहीं बोलते हैं, ऐसा बात नहीं बोलिए, क्या बोलेंगे मतलब बोलते हैं, समर्थन करते हैं, वो भी अपने बोलते हैं, बात को रखते हैं, ऐसा बात नहीं है। अजय मंडल ये बहुत लोकप्रिय सांसद हैं और उन्होंने अपनी बातों को गंभीरतापूर्वक रखते हैं। अब पदाधिकारी का काम है प्रिवेंट कराना, जनप्रतिनिधि का काम है कार्य योजना बनाना। चलिए आपका बात नहीं माना पदाधिकारी नहीं चलता, एक सांसद का भी बात नहीं मानता है, ये कहाँ तक जाए। अब भाई देखिए अब क्या बोले, हम तो छोटा है जनप्रतिनिधि, लेकिन जो ऐसे पदाधिकारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, होता ही नहीं है, कार्रवाई क्या होनी चाहिए। ऐसे पदाधिकारी जो चेयरमैन का या सांसद की बात नहीं सुनते, ऐसे पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं होना एक बहुत ही दुखद बात है, और चाहे सरकार की मुखिया हो या कोई भी हो, इस बात पर गौर करना चाहिए, जीते हुए प्रतिनिधि की बात को सुनी जाए, क्षेत्र की जनता को खुश किया जाए। सर 5 काम गिना दीजिए जो करेंगे इस बार अगर आप चुनाव जीतते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ जनता को सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, ठीक है, ये बहुत ही अति पिछड़ा क्षेत्र है, और यहाँ जो है अगर बिलासी डैम ढाका से बिलासी डैम चला है उसको अगर झाड़ के चांदनी पुल में होते हुए मिला दिया जाए तो बहुत ही सिंचाई की व्यवस्था बन जाएगी, सिंचाई की व्यवस्था के लिए काम करेंगे, एकदम काम करेंगे। दूसरा और दूसरा है क्या, देखिए यहाँ सरकार द्वारा चलाया गया कि पंचायत ODF हो गया, लेकिन हमें 242 पंचायत है पूरे जिला में, एक भी पंचायत अगर बताते कि ODF वार्ड जो कहेंगे सो मैं मान लूंगा, एक भी पंचायत सिर्फ सरकार का कागज पर और कागज पर काम होता है और पैसे का दुरुपयोग होता है, इसको सही करेंगे, एकदम सही करेंगे। तीसरा आप नल जल की बात ले रहे हैं, ऐसा बताइए अभी भी जो है 50% घर में लोग जो है नल जल नहीं लगा हुआ, ठीक ठाक गड्ढे खोद दिया, पानी नहीं है, बोरिंग से पानी नहीं निकल रहा है, और काम पूरा दिखा दिया, पैसा लगा गया। क्या इस बार अगर जीतेंगे इस पे जांच कराएंगे? जांच तो हम हरदम उठाते, जांच तो इस बार हम उठाए हैं, जांच के लिए आज तक मैंने 350 आवेदन दिया, लेकिन उस पर कुछ कार्रवाई नहीं होता। सब लोग पदाधिकारी, पिछले बार भी मैंने मनरेगा में जांच उठाया, एक मनरेगा में काम को 5 साल बिना पूर्व के नाम बदल कर उसका अधिक करवाया, DM ने जांच बैठाया, जांच भी हुआ, जांच में सही पाया, लेकिन दोषी पदाधिकारी में कुछ नहीं हुआ। चलिए इसके बाद रोजगार के लिए क्या करेंगे? रोजगार एक अहम मुद्दा, देखिए बेरोजगारी की समस्या बढ़ी, भगवान ने कही कोरोना काल आए, ये कोरोना काल में भी साल भर लोग आदमी बैठ के मजदूर, गरीब मजदूर जहाँ अप्लाई कर रहे हैं, जहाँ सरकार करें मजदूर दे रहे हैं, ये कहाँ मजदूरी मिल रहा है उसको, सिर्फ कागज को मजदूरी लगा रहा है। मैं तो मनरेगा में लगाया अभी आरोप कि सोचिए कि जिसका वेंडर नहीं है वो अपने रिश्तेदार को वेंडर दे करके वेंडर बना करके अब फर्जी कागज पर पैसा निकाल रहे हैं। आप मैं बात करूँ कि यहाँ जो मजदूरी नहीं करते उनका नाम लिख करके जो दिया जाता है और मनरेगा में काम कराया जाता है, पैसा निकासी कर दिया जाता है, 80% लोग ऐसे हैं जो उसका घर में रहता है, पैसा मिल जाता है उससे, पैसा कमीशन उसको भी। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।